नहीं, ये कौन सा एलजी समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है और मस्जिद में यो ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। आप एलजी साहब के ऑर्डर दिखा देना हमें, हमारी मस्जिद में अजान की अजान भी नहीं होगी। आप एलजी साहब एलजी के ऑर्डर दिखाओ, लाके ऑर्डर दे दिया। रोजे रमजान आ रहे होंगे, ये बताओ अजान नहीं होगी मस्जिद के अंदर तो नमाजें कैसे पढ़ेंगे हम लोगों ने अपने? मेरी बात सुनो, ठीक है ना? वो ठीक है नहीं, ये बताइए अजान से कोई तकलीफ है क्या? अजान से कोरोना बढ़ रहा है क्या? नहीं तो अजान से एक हाफिज जी, एक ही तो हाफिज जी है इसमें एक ही तो है ना? सुन ली हमने, हम भी वो देख रहे हैं रोज समाचार, देख रहे समाचार रोज देख रहे हैं हम भी। 5 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन 5 के यहाँ एक भी नहीं पढ़ रहा। अजान नहीं करेगा कोई, अजान के लिए तो मना ही नहीं है कहीं पे भी। एलजी साहब के ऑर्डर, एलजी के ऑर्डर दिखा दो, मस्जिद में अजान नहीं होगी। थाने में जाओ देख आओ, ठीक है? एलजी के ऑर्डर दिखाओ आप, अजान नहीं होगी भाई। हाँ भाई वाह, ये तो इन्होंने पुलिस वालों ने अच्छा आतंक मचा रखा है। एलजी का उसका बहाना ले लेके बताओ, कहीं मस्जिद में नमाज अजान को मनाया है क्या? बोला आपको तो अजान से तो कोई दिक्कत नहीं होगी? अजान से पहले किसी बोला कभी आपको? नहीं, अजान से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमारी बात सुनो, हमारे हो जाएंगे कल से रोजे शुरू। अजान नहीं होगी तो नमाजी कैसे पढ़ेंगे? हमें वक्त का कैसे पता चलेगा? एलजी साहब के कहा आप मेरी बात सुनो, वकालत की बात नहीं है। हाँ मैं बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम हमें है ना, सामने है ना घर, सामने घर है ना सर, हमें प्रॉब्लम होगी। सबको है प्रॉब्लम, सबको है जितने यहाँ पे रोजेदार है सबको प्रॉब्लम होगी। थाने में जाओ, ऑर्डर दे दिया हो, मेरे साथ बहस करने की कोई नहीं। मेरी बात सुनो, देखो ठीक है ना, आप जैसे बोल रहे हो ना, बात कर रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ। क्या हो गया मोबाइल? हाँ मोबाइल नीचे कर लो मत लगा। हाँ हाँ कोई नहीं, नहीं नहीं वो ठीक है, आप साहब की तरफ से ऑर्डर है, ठीक है? ऑर्डर देखने जाओ, मैं इसको समझाने आ रहा हूँ।